हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स आज का वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मिक्स क्वेश्चन यहाँ पर आपका रहेगा, जीके हो गया, एजुकेशनल जीके यहाँ पर आपका रहेगा, करेंट अफेयर, मैथमेटिक्स एंड टीचिंग एप्टीट्यूड, सारे टॉपिक्स का यहाँ पर हम कुछ कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों आज का इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज नॉट रिटन बाय ड्यूए, ड्यूए के द्वारा जो है कौन सा बुक जो है नहीं लिखा गया है। ऑप्शन में रहेगा एक्सपीरियंस इन एजुकेशन, डेमोक्रेसी इन एजुकेशन, द चाइल्ड एंड द करिकुलम एंड एजुकेशन एंड स्कूलिंग। ओके दोस्तों यहाँ पर जो कि राइट आंसर रहेगा ये एजुकेशन एंड स्कूलिंग जो कि एक बुक रहेगा, ये जो कि है ड्यूए के द्वारा नहीं लिखा गया है। बाकी जो भी यहाँ पर आपका ऑप्शन है ये सारे जो कि आपका लिखा गया है। ठीक, तो राइट आंसर यहाँ पर आपका रहेगा जो कि नॉट रिटन बाय, ये आपका एजुकेशन एंड स्कूलिंग यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट होगा पीपल मोटिवेटेड बाय प्रेशर फ्रॉम बोथ टीचर्स एंड पेरेंट्स टू परफॉर्म वेल इन एग्जामिनेशन इज ए टाइपिकल केस ऑफ, अभिभावक और अध्यापक के द्वारा विद्यार्थियों पर परीक्षा में बेहतर करने का दबाव है, तो इसको हम क्या बोलेंगे। ऑप्शन में रहेगा इंट्रिंसिक मोटिवेशन, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, इंटरेस्ट या फिर एप्टीट्यूड। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर जो कि रहेगा ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जो कि ये रहेगा, बाहर से जो कि दबाव है तो इसको हम बोलेंगे एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, जो कि यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ओके नेक्स्ट होगा हु वाज द चेयरपर्सन ऑफ NCF 2005, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 का जो है चेयरपर्सन कौन रहे थे। ऑप्शन में यहाँ पर आप देख सकते हो प्रोफेसर कृष्णा कुमार, प्रोफेसर यशपाल या फिर प्रोफेसर अनिल सतगोपाल एंड नेक्स्ट होगा प्रोफेसर श्याम बी मेनन। राइट आंसर यहाँ पर आपका रहेगा दोस्तों प्रोफेसर यशपाल जो कि है इसका चेयरपर्सन रहते NCF 2005 का, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका रहेगा टीचिंग एज ए प्रोसेस इज, एक प्रक्रिया के रूप में शिक्षण क्या है, ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल, ऑलवेज डिडेक्टिक या फिर ऑलवेज इंटेंशनल एंड ऑलवेज प्रोग्राम्ड। दोस्तों यहाँ पर हम देखें तो इसका जो कि राइट आंसर रहेगा ये ऑलवेज इंटेंशनल, जो भी आप पढ़ाते हो आपका हर वक्त कोई इंटेंशन से आप पढ़ाते हो, आपको जो है ऑब्जेक्टिव कुछ रहता है आपका पढ़ने का, आप तो प्रोग्राम तो करते हो बट उस प्रोग्राम जो कि है चेंज भी हो सकता है, ठीक है, बट आपका ऑब्जेक्टिव जो कि है ऑलवेज सेम रहेगा। आप जो भी ऑब्जेक्टिव बना के जाते हो क्लास में उसी ऑब्जेक्टिव को आप पूरा करने के लिए जो भी आप प्रोग्राम किए हो आपका टीचिंग का वो भी चेंज हो सकता है आपका ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए। तो यहाँ पर हम देखें तो टीचिंग एज ए प्रोसेस ऑलवेज इंटेंशनल यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है नेक्स्ट, सो नेक्स्ट होगा आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट लेसन प्लान, कंस्ट्रक्टिविस्ट लेसन प्लान के हिसाब से कौन सा जो कि ऑर्डर यहाँ पर आपका सही होगा। दोस्तों यहाँ पर हम देखें तो ये जो कि ऑर्डर आपका दिया गया है ये 5P लेसन प्लान का है, तो यहाँ पर हम देखें तो इसका जो कि राइट आंसर हो जाएगा पहले आपका एंगेज होता है, उसके बाद एक्सप्लोर, उसके बाद एक्सप्लान, इलाबोरेट एंड इवैल्यूएट। तो ये 5P लेसन प्लान होता है दोस्तों, ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लान, इलाबोरेट एंड इवैल्यूएट। ठीक नेक्स्ट होगा अरेंज द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इन द ऑर्डर ऑफ देयर एस्टैब्लिशमेंट क्रोनोलॉजी, तो यहाँ पर हम देखें तो कुछ एजुकेशनल बॉडी जो कि रहेगा इसको जो कि आपको एस्टैब्लिशमेंट के हिसाब से आपको देखना है पहले कौन सा आएगा उसके हिसाब से यहाँ पर हम देखेंगे तो तो पहले इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर यहाँ पर हम देख लेते हैं। NCT का जो कि रहेगा नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन 1995 होगा ये। नेक्स्ट आपका रहेगा NIOS जो कि रहेगा 1989, उसके बाद जो कि आपका रहेगा इग्नो जो कि आपका होता है दोस्तों इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जो कि है 1985 होगा, उसके बाद जो कि आपका रहेगा NCERT 1961 नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग 61 ये आपका रहेगा 1900 एंड UGC जो कि आपका रहेगा 1956। ठीक है तो यहाँ पर हम देखें तो पहले जो कि आपका रहेगा
1956 जो कि आपका UGC मेंस, यहाँ पर आपका ई पहले आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऑप्शन नंबर वन में ये है ई पहले, उसके बाद जो कि आपका डी होगा जो कि NCERT, ये होगा 1961। उसके बाद जो कि आपका रहेगा सी इग्नो जो कि 1985, ये थ्री नंबर में आएगा। उसके बाद जो कि आपका रहेगा NIUS 1989 होगा फोर्थ, एंड लास्ट में आपका रहेगा NCT जो कि 1995 फिफ्थ। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर वन जो कि आपका ठीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर वन। ठीक, नेक्स्ट, हु बिल्ड द फेमस शिवा टेम्पल एट एलोरा। एलोरा में जो फेमस शिवा टेम्पल है उसको जो है कौन बनाए हैं। ऑप्शन में यहाँ पर आप देख सकते हो इसका जो कि राइट आंसर होगा दोस्तों, राष्ट्रकूट रूलर कृष्णा वन, ये आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर जो कि ठीक है। नेक्स्ट, सो नेक्स्ट होगा समेटिव असेसमेंट ऑकर्स। समेटिव असेसमेंट जो कि है कब होता है, ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन, बिफोर द इंस्ट्रक्शन, या फिर आफ्टर इंस्ट्रक्शन, एंड बिफोर एज वेल एज आफ्टर इंस्ट्रक्शन। ओके, तो यहाँ पर हम देखें दोस्तों समेटिव असेसमेंट जो कि होता है दोस्तों आफ्टर इंस्ट्रक्शन, यहाँ पर आपका रहेगा राइट आंसर। ओके, ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन जो कि आपका रहेगा फॉर्मेटिव असेसमेंट होगा। ठीक, तो यहाँ पर हम समेटिव असेसमेंट का देखें तो आफ्टर इंस्ट्रक्शन यहाँ पर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर जो कि आपका थ्री जो कि है यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट होगा सेपरेट करिकुलम फॉर बॉयज एंड गर्ल्स वॉज सजेस्टेड बाय। सेपरेट करिकुलम फॉर बॉयज एंड गर्ल्स जो कि है ये जो कि यहाँ पर किसने जो कि सजेस्ट किए थे। ऑप्शन में रहेगा दुर्गा भाई देशमुख कमेटी, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, हंस मेहता कमेटी, या फिर एजुकेशन कमीशन। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें तो राइट आंसर जो कि रहेगा सेपरेट करिकुलम फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स, हंस मेहता कमेटी जो है ये सजेस्ट किए थे, ऑप्शन नंबर थ्री यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट यहाँ पर आपका रहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग एनहेंसेस लर्निंग अमंग स्टूडेंट्स एंड टीचर। इसमें से कौन सा जो कि यहाँ पर आपका रहेगा ऑप्शन में से मोस्ट अप्रोप्रिएट जो भी रहेगा टीचर्स एंड स्टूडेंट्स का जो है लर्निंग को जो है बढ़ाएगा। यहाँ पर हम देखें तो ऑप्शन में रहेगा हेल्प्स फ्रॉम मोर नॉलेजेबल पीयर्स, या फिर हाई मोटिवेशन फ्रॉम द एनवायरमेंट, फॉर्मल स्कूल एनरोलमेंट, या फिर डे टू डे क्लासरूम टास्क। ओके, तो यहाँ पर हम देखें तो दोस्तों यहाँ पर जो कि आपका रहेगा ये मोस्ट अप्रोप्रिएट, यहाँ पर हम देखें तो हेल्प फ्रॉम द मोर नॉलेजेबल पीयर्स तो ये तो होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। हाई मोटिवेशन फ्रॉम द एनवायरमेंट ये भी होगा, फॉर्मल स्कूल एनरोलमेंट तो आप स्कूल में जो कि है एडमिशन ले लिए, तो ऐसा नहीं है कि जो कि यहाँ पर आपका लर्निंग जो कि है बढ़ रहा है। ठीक है, डे टू डे क्लासरूम टास्क ये भी रहेगा। तो यहाँ पर हम देखें तो इसका जो कि राइट आंसर होगा दोस्तों ए बी एंड डी होगा। ठीक, तो ए बी डी यहाँ पर आप देख सकते हो जो कि रहेगा ऑप्शन नंबर टू में यहाँ पर आपको मिलेगा ए बी डी ओनली। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका नहीं होगा दोस्तों, फॉर्मल स्कूल एनरोलमेंट से आप जो कि है आपका जो है लर्निंग जो है एनहेंस नहीं होगा, इंक्रीज नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 इंक्लूड द एज ग्रुप ऑफ। तो RT में जो कि है एज ग्रुप जो है कितना है दोस्तों, RT में जो भी इंक्लूड किया गया है इसमें आपका राइट आंसर रहेगा जो कि 6 to 14 ईयर जो कि आपका होगा। ओके, जो कि आपका एलिमेंट्री एजुकेशन आपका रहेगा अप टू क्लास 8 क्लास तक। ठीक है, क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पर हम डिसेबिलिटी के बारे में आपका देखें तो 6 से लेकर जो कि आपका 18 ईयर्स तक होता है डिसेबिलिटीज स्टूडेंट्स के लिए। ठीक, नेक्स्ट होगा MOOC मूक स्टांस पर। मूक जो कि होता है दोस्तों इसका फुल फॉर्म क्या है, मासिव ऑनलाइन ऑप्शनल कोर्सेज, या फिर मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, मास ऑनलाइन ओपन कोर्स, या फिर मैन ऑनलाइन ओपन कोर्स। राइट आंसर यहाँ पर आपका रहेगा मूक का जो कि फुल फॉर्म होगा मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर टू सही होगा मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट होगा अकॉर्डिंग टू NEP 2020 मिडिल एंड सेकेंडरी स्टेज इंक्लूड। NEP 2020 के हिसाब से यहाँ पर हम देखें तो मिडिल एंड सेकेंडरी स्टेजेस का जो कि यहाँ पर आपका एज ग्रुप यहाँ पर आपका पूछा गया है। तो यहाँ पर हम देखें तो मिडिल
स्टेज में, जो कि यहाँ पर आपका एज ग्रुप रहेगा दोस्तों 11 से लेकर 14 ईयर्स होगा। एंड सेकेंडरी स्टेज का यहाँ पर हम देखें तो ये 14 से लेकर 18 ईयर्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा जो कि ऑप्शन नंबर ए एंड बी होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर टू जो कि सही आंसर होगा, ए एंड बी ओनली, ठीक है। सो नेक्स्ट होगा यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इज कंसर्न विथ। तो यूईई के हिसाब से यहाँ पर हम देखें तो कौन सा जो कि यहाँ पर आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर रहेगा, ऑप्शन में रहेगा ऑल चिल्ड्रंस बिटवीन द एज ग्रुप्स ऑफ 6 to 14 ईयर्स। तो ये आपका सही होगा जो कि एलिमेंट्री एजुकेशन के बारे में जो भी आपका होता है यहाँ पे 6 to 14 ईयर्स, ओनली विद द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स, ये नहीं होगा दोस्तों। नेक्स्ट आपका रहेगा ऑल रिसोर्सेज यूटिलाइज फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन, ये भी सही होगा, एजुकेशन फॉर ऑल विथ रिगार्ड्स टू प्रॉपर्टी ऑफ पीपल, ये नहीं होगा। एंड आर्टिकल 45 स्टिपुलेटेड एजुकेशन फॉर ऑल, ये भी आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर हम देखें तो ए सी एंड ई यहाँ पर आपका सही आंसर रहेगा। तो यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं जो कि ए सी ई होगा, जो कि ऑप्शन नंबर टू में यहाँ पर आपको दिखेगा ए सी ई ओनली, ठीक है। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है यहाँ पर आपका अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 द स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन विल बी। एनईपी 2020 के हिसाब से आपका स्ट्रक्चर क्या रहेगा एजुकेशन का, 5+3+3+4। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर टू सही होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट है फॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन इज और आर। तो यहाँ पर हम देखें तो फॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन जो कि यहाँ पर कौन सा होगा, फैमिली स्कूल यूनिवर्सिटी या फिर ऑटोनोमस कॉलेज। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें तो इसका जो कि राइट आंसर रहेगा फॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन जो कि स्कूल होगा, यूनिवर्सिटी होगा एंड ऑटोनोमस कॉलेज होगा। तो ऑप्शन जो कि बी सी डी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर फोर जो कि रहेगा बी सी डी ओनली, ठीक है। नेक्स्ट, सो नेक्स्ट होगा विच इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान के हिसाब से यहाँ पर हम देखें तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका इनकरेक्ट होगा, ऑप्शन में रहेगा इट इज इम्प्लीमेंटेड एक्सक्लूसिवली फॉर गर्ल्स चाइल्ड। तो ये ऑप्शन जो कि आपका गलत होगा दोस्तों। नेक्स्ट आपका रहा इट इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोथ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, ये राइट है। इट इज़ प्रोवाइडिंग क्वालिटी एलिमेंटरी एजुकेशन फॉर ऑल, ये आपका राइट है। एंड इट वाज लॉन्च्ड इन 2001, ये भी राइट होगा। तो यहाँ पर जो कि आपका आंसर जो कि आपका रहेगा दोस्तों, मतलब इनकरेक्ट यहाँ पर आपका पूछा गया तो ऑप्शन नंबर वन यहाँ पर आपका होगा इट इज़ इम्प्लीमेंटेड एक्सक्लूसिवली फॉर गर्ल्स चाइल्ड, ये आपका गलत होगा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फोर इंक्लूड। तो SDG 4 में यहाँ पर कौन सा जो कि इंक्लूड है, ऑप्शन में रहेगा स्पेशल एजुकेशन विद क्वालिटी, इंक्लूसिव एजुकेशन विद क्वालिटी या फिर इंटीग्रेटेड एजुकेशन विद क्वालिटी, एजुकेशन फॉर गिफ्टेड विद क्वालिटी। तो यहाँ पर हम देखें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो कि 4 रहेगा, यहाँ पर इंक्लूड जो कि रहेगा दोस्तों ये इंक्लूसिव एजुकेशन विद क्वालिटी जो कि यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर टू। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका रहेगा हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वेट लिफ्टर टू हैव ए ओन गोल्ड एट IWF जूनियर चैंपियनशिप दैट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन हेरक्लियन। तो यहाँ पर हम देखें तो हेरक्लियन में जो भी यहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ था दोस्तों IWF जूनियर चैंपियनशिप, तो इंडियन वेट लिफ्टर जो कि है कौन जो कि गोल्ड यहाँ पर जीते हैं, ओके। तो दोस्तों यहाँ पर जो कि आपका राइट आंसर है ये हर्षदा शरद गरुड़, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर टू जो कि यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, इन हाउ मेनी वे ए कमिटी ऑफ 6 मेंबर बी सिलेक्टेड फ्रॉम 7 मैन एंड 5 वोमेन कंसिस्टिंग ऑफ 4 मैन एंड 2 वोमेन, ओके। तो यहाँ पर हम देखें तो आपको जो है 6 मेंबर कमिटी एक सिलेक्ट करना है 7 मैन एंड 5 वोमेन में से, आपको 6 मेंबर्स कमेटी जो है सिलेक्ट करना है। ये 6 मेंबर में जो भी रहेंगे 4 मैन एंड 2 वोमेन रहेंगे, तो ये कितने वे में हो पाएगा इसको हम निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखें तो आपको जो है 7 मैन में से 4 वोमेन आपको सिलेक्ट करना है, तो ये कितने वे में होंगे पहले इसको देखते हैं। ये जो कि होंगे दोस्तों मैन का 7 सी 4 वे में होंगे, उसके बाद जो कि आपका रहेगा
फाइव वोमेन से आपको टू वोमेन चूज करना है, तो इनका जो कि होगा 5C2M होगा। तो दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका परमुटेशन का यूज होगा दोस्तों। तो यहाँ पर आपका परमुटेशन का फॉर्मूला जो कि होता है दोस्तों NCR होता है। तो इसमें आप लिख सकते हो कि N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय N माइनस R फैक्टोरियल मल्टीप्लाई यहाँ पर आपका होता है R फैक्टोरियल। तो ये फार्मूला आपको यहाँ पर यूज करना है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो आपका रहेगा 7C4 मल्टीप्लाई 5C2। तो 7 फैक्टोरियल यहाँ पर आपको लिखना है ऊपर, उसके बाद जो कि आपका 7 माइनस 4 फैक्टोरियल मीन्स 3 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई यहाँ पर आपका होगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि उसके बाद जो कि यहाँ पर आपका होगा 7 फैक्टोरियल को आप लिख पाएंगे 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5। उसके बाद देखो हम 4 फैक्टोरियल लिख रहे हैं क्योंकि हमें 4 फैक्टोरियल को नीचे काटना है, उसके नीचे है 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर हम 3 फैक्टोरियल को भी लिख लेते हैं एक्सपांड करके, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 होगा एंड मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर आप देखते हो 4 फैक्टोरियल यहाँ पर आपका कट जाएगा, उसके बाद देखो 3 2 6 यहाँ पर आपका 6 कट जाएगा। तो यहाँ पर आपका 7C4 का जो कि आंसर रहेगा 7 मल्टीप्लाई 5 है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 35 यहाँ पर आपका आंसर आएगा। ठीक है, उसके बाद हम 5C2 का भी निकाल लेते हैं। तो 7C4 का आपका आंसर आया है 35। अभी हम निकालते हैं 5C2। तो 5C2 को हम लिख पाएंगे 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल को ऑलरेडी हम लिखे थे, तो 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई यहाँ पर आप 3 फैक्टोरियल लिख पाएंगे। उसके बाद जो क्या होगा 5 माइनस 2 मीन्स 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल मीन्स 2 होगा। तो 3 फैक्टोरियल यहाँ पर आपका कट जाएगा, उसके बाद देखो 2 2 4 होगा, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा जो कि 10 आएगा। ओके, तो 35 यहाँ पर आपका 10 होगा, तो दोनों को मल्टीप्लाई यहाँ पर आपको करना है। तो 35 मल्टीप्लाई 10 जो कि होगा दोस्तों ये 350 यहाँ पर आपका वे होगा टोटल वे। ठीक, तो आंसर यहाँ पर आप देख सकते हो 350 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका रहेगा, ए कोन एंड ए स्पीयर हैव इक्वल रेडी एंड इक्वल वॉल्यूम, फाइंड द रेशियो ऑफ डायमीटर ऑफ द स्पीयर टू द हाइट ऑफ द कोन। तो यहाँ पर हम देखें तो एक कोन है और एक स्पीयर है, दोनों का जो कि रेडियस इक्वल है एंड वॉल्यूम भी इक्वल है, और यहाँ पर जो कि आपको रेशियो निकालना है डायमीटर ऑफ द स्पीयर एंड हाइट ऑफ द कोन का। ओके, तो यहाँ पर आपका वॉल्यूम जो कि है इक्वल है, तो वॉल्यूम को हम इक्वल कर लेते हैं। तो स्पीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 πr³ होता है, एंड कोन का जो कि आपका वॉल्यूम रहेगा 1/3 πr²h। ओके, तो यहाँ पर आप देखो बहुत सारी चीज़ यहाँ पर आपका कट होगा, जैसे कि यहाँ पर आपका देखो πa यहाँ पर आपका r² कट होगा, यहाँ पर आपका r² कट होगा तो r रहेगा। उसके बाद देखो यहाँ पर आपका 3/3 भी कट होगा, तो यहाँ पर देखो 4r है इक्वल टू आपका h होगा। बट यहाँ पर जो कि आपको डायमीटर लेना है, तो डायमीटर मीन्स r का जो कि है डबल यहाँ पर आपको लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख पाएंगे, देखो यहाँ पर आपका अभी देखो 4r इक्वल टू h है, तो यहाँ पर देखो हम 2 का यहाँ पर हम कॉमन ले लेते हैं, जो कि 2r जो कि आपका रेडियस हो जाएगा 2r, उसके बाद जो कि h है, तो यहाँ पर आप देखो कि रेडियस इक्वल टू हो जाएगा h/2। ठीक है, तो यहाँ पर रेशियो जब हम निकालेंगे रेडियस इक्वल टू h/2 जो भी है, तो यहाँ पर आपको रेडियस डिवाइडेड बाय h यहाँ पर करेंगे, तो यहाँ पर आपका जो कि आ जाएगा रेशियो 1/2 होगा। ठीक है, तो आपका आंसर जो कि रहेगा ऑप्शन नंबर 2 जो कि 1/2 इसका आंसर आ जाएगा, स्पीयर का रेडियस एंड इसका हाइट का जो कि यहाँ पर आपका कोन ऑफ द हाइट यह आपका रहेगा 1/2 इसका रेशियो आएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट होगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम 9 फ्रॉम 2 थ्रोन ऑफ ए डाइस। तो यहाँ पर जो कि आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है, आपको एक डाइस को जो है 2 बार जो कि थ्रो करना है, जिसमें से जो कि है सम ऑफ गेटिंग 9,
सॉम 9 आने का कितना प्रोबेबिलिटी है। तो टू डाइस को जब आप थ्रो करेंगे तो इसका जो कि आपका रहेगा सैम्पल स्पेस जो कि आपका हो जाएगा 6 × 6, ठीक है। तो यहाँ पर 36 जो कि यहाँ पर टोटल आउटकम्स होगा, तो उसमें से जो कि आपको देखना है कि कितने में जो भी आपका सॉम जो कि है 9 आ रहा है ऐड करने से। तो यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं, जैसे कि आपका 3 6, मान लीजिए आपका पहला वाला है आपका थ्रो है एंड ये सेकंड वाला है, तो 3 6 यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल 9 है। उसके बाद इसका उल्टा भी हो सकता है, 6 3 होगा, उसके बाद 4 5 होगा एंड 5 4 होगा, ओके। तो और कुछ होगा यहाँ पर आप सोचो, यहाँ पर आप 3 4, तो इतना ही होगा दोस्तों, जो कि 4 यहाँ पर आपका रहेगा टोटल। तो प्रोबेबिलिटी कितना होगा यहाँ पर हम निकाल लेते हैं, जो कि सम 9 आने का प्रोबेबिलिटी जो कि आपका रहेगा टोटल यहाँ पर आपका 4 जो कि है, तो 4/36 हो जाएगा इसका प्रोबेबिलिटी। तो आंसर जो कि आपका आएगा 4 9 36, जो कि 1/9 इसका प्रोबेबिलिटी होगा टोटल सम जो कि 9 आने का। तो आंसर होगा 1/9, ठीक है। नेक्स्ट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, व्हिच ऑर्गेनाइजेशन हैज ओन नोबेल प्राइज 3 times। इसमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जो कि है नोबेल प्राइज 3 times जो कि है मिला है, उसको जीता है वो, ओके। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें तो इसका जो कि राइट आंसर रहेगा इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी को जो है मिला है 3 times जो कि है नोबेल प्राइज, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट, सो नेक्स्ट है, गीतांजलि श्री हैज ओन बुकर प्राइज फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ हर नोवेल, ओके। तो गीतांजलि श्री जो कि है बुकर प्राइज जीते हैं, तो वो कौन सा नोवेल के वजह से जो कि है ये जीते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो कि आपका राइट आंसर रहेगा ये रेत समाधि, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, नई तालीम इज ऑल्सो कॉल्ड एज, नई तालीम को और भी क्या बोला जाता है। ऑप्शन में रहेगा वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन, न्यू ईरा एजुकेशन पॉलिसी, या फिर एजुकेशनल स्कीम ऑफ न्यू इंडिया, एजुकेशनल विजन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। दोस्तों यहाँ पर हम देखें तो नई तालीम जो कि होता है दोस्तों बेसिक एजुकेशन होता है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन भी बोला जाता है नई तालीम को, ठीक। नेक्स्ट, सो नेक्स्ट होगा, व्हाट विल यू डू एज प्रिंसिपल इफ ए टीचर ऑफ द स्कूल डज नॉट कम टू ए फंक्शन ऑफ स्कूल ऑन टाइम। तो एक प्रिंसिपल के हिसाब से आप क्या करेंगे यदि एक टीचर जो है स्कूल का फंक्शन में टाइम से नहीं आते हैं तो। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन रहेगा यू विल आस्क हिम टू मीट यू आफ्टर द फंक्शन इज ओवर, या फिर यू विल कंप्लेन दिस टू द मैनेजमेंट कमिटी ऑफ द स्कूल, यू विल स्कोल्ड हिम बिफोर एवरी वन एंड यू विल टेल हिम अबाउट हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर जो कि रहेगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा, जो कि यू विल टेल हिम अबाउट हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी। सो नेक्स्ट होगा, व्हिच क्वालिटी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या है। ऑप्शन में रहेगा हार्डवर्क, ओबीडियंस, ह्यूमिलिटी, या फिर इंडिपेंडेंट थिंकिंग, स्वतंत्र चिंतन। दोस्तों यहाँ पर जो कि आपका राइट आंसर होगा ये इंडिपेंडेंट थिंकिंग, जो कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो कि क्वालिटी है स्टूडेंट्स के, ओके। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही होगा। सो नेक्स्ट होगा, हु रिसीव्ड 57th ज्ञानपीठ अवार्ड इन 2022। 2022 में 57th ज्ञानपीठ अवार्ड जो है किसको दिया गया है, ओके। तो दोस्तों यहाँ पर जो कि आपका राइट आंसर है ये दामोदर माउजो जो कि है वो रिसीवर है 57th ज्ञानपीठ अवार्ड 2022 का। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट, हु ओन मेन्स सिंगल चैंपियनशिप ऑफ ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में कौन जीते हैं, राइट आंसर यहां पर आपका रहेगा नोवाक जोकोविक, ओके। तो ऑप्शन नंबर 2 यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट होगा, रेत समाधि बाय गीतांजलि श्री वॉज रिसेंटली अवार्डेड इंटरनेशनल बुकर प्राइज, हु ट्रांसलेटेड द बुक फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। तो अभी हम देखो क्वेश्चन देखे थे दोस्तों, जो कि आपका गीतांजलि श्री जी की है इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो कि है मिला है रेत समाधि के लिए, तो ये बुक को जो है हिंदी से इंग्लिश जो कि ट्रांसलेट कौन किए हैं यहाँ पर आपको पूछा गया है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो कि आपका राइट आंसर रहेगा ये
डैसी रॉकवेल जो कि यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, सो नेक्स्ट होगा हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक हाउ टू प्रिवेंट नेक्स्ट पेंडेमिक। तो हाउ टू प्रिवेंट नेक्स्ट पेंडेमिक का बुक का ऑथर कौन है? फ्रेंड्स यहाँ पर आपका राइट आंसर जो कि रहेगा बिल गेट्स जो है इसका ऑथर है इस बुक का, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। सो नेक्स्ट होगा हु हैज़ रिटन द बुक द बॉडी कीप्स द स्कोर ब्रेन माइंड एंड बॉडी इन द हीलिंग ऑफ ट्रामा। तो ये बुक को जो है कौन लिखे है? ऑप्शन में यहाँ पर आप देख सकते हो इसका जो कि राइट आंसर होगा दोस्तों बेसल वैन डर कोल्क, बेसल वैन डर कोल्क जो कि है ये बुक को लिखे हैं, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है हु हैज़ रिटन एटॉमिक हैबिट्स। तो एटॉमिक हैबिट का जो कि बुक है इसको जो है कौन लिखे है? दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन देख सकते हो इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा जेम्स क्लियर, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा जेम्स क्लियर जो कि लिखे हैं एटॉमिक हैबिट। ठीक है, नेक्स्ट होगा व्हिच डे इज़ ऑब्जर्व एज इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन। इंटरनेशनल वुमेन डे जो है कब ऑब्जर्व किया जाता है कौन सा डे में? राइट आंसर यहाँ पर आपका होगा 8 मार्च को। ओके, नेक्स्ट होगा व्हिच डे इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल लेबर डे। इंटरनेशनल लेबर डे जो है कब सेलिब्रेट होता है? यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा 1 मई, 1 मई को जो कि यह होता है सेलिब्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट हु हैज़ रिटन द बुक स्पेयर। बुक का जो कि आपका नाम रहेगा स्पेयर जो है इस बुक को जो है कौन लिखे हैं? ओके, तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर जो कि रहेगा प्रिंस हैरी जो कि है ये बुक को लिखे है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। सो नेक्स्ट होगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन इज नॉट ए नोबेल लॉरेट। तो यहाँ पर हम देखें तो कौन सा इंडियन को जो है नोबेल प्राइज जो कि है नहीं मिला है? ऑप्शन में रहेगा अमृत सेन, कैलाश सत्यार्थी, श्री श्री रविशंकर, अभिजीत वी बनर्जी। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर जो कि रहेगा ये श्री श्री रविशंकर जो कि है नॉट ए नोबेल लॉरेट्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा व्हिच कंट्री वाज सस्पेंडेड बाय FATF इन मार्च 2023। कौन सा कंट्री जो है सस्पेंड हुआ था FATF के द्वारा जो कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा मार्च 2023 में? राइट आंसर यहां पर आपका रहेगा रसिया, ऑप्शन नंबर ए जो कि होगा रसिया को जो है सस्पेंड किया गया था। ओके, नेक्स्ट होगा हु वाज टाइम्स मैगजीन्स पर्सन ऑफ द ईयर फॉर 2022। टाइम्स मैगजीन के हिसाब से पर्सन ऑफ द ईयर 2022 कौन थे? ओके, तो दोस्तों यहाँ पर जो कि आपका राइट आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर ए होगा वी जेलेंस्की, व्लादिमिर जेलेंस्की जो कि है यूक्रेन के जो कि है प्रेसिडेंट है, तो उनको जो कि है दिया गया था पर्सन ऑफ द ईयर 2022 बाय टाइम्स मैगजीन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच इंडियन वाज सिलेक्टेड फॉर पेन नोबोकोव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रिसेंटली। कौन सा इंडियन जो है सिलेक्ट हुए थे फॉर पेन नोबोकोव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए? ओके, तो दोस्तों यहाँ पर जो कि आपका राइट आंसर रहेगा ये विनोद कुमार शुक्ला, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट होगा व्हिच टीम ओन हाईएस्ट नंबर ऑफ मेडल्स इन 36 नेशनल गेम इन 2022। तो 36 नंबर नेशनल गेम जो कि 2022 में हुआ था दोस्तों, इसमें जो कि हाईएस्ट नंबर ऑफ मेडल जो है कौन सा टीम जो कि है जीते थे? तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा जो कि सर्विसेज, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा सर्विसेज जो कि है हाईएस्ट नंबर ऑफ मेडल जो कि है जीते थे। सो नेक्स्ट होगा अविनाश साबले इज एसोसिएटेड विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। अविनाश साबले जो कि है कौन सा स्पोर्ट्स से एसोसिएट है? ऑप्शन में यहाँ पर आप देख सकते हो हॉकी, टेनिस, एथलेट्स, बॉक्सिंग। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर जो कि रहेगा ये एथलेट्स यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। ओके, सो नेक्स्ट है हु इज़ द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इंडिया का जो कि प्रेजेंट चीफ जस्टिस कौन है? यहाँ पर आप देख सकते हो ऑप्शन में यहाँ पर आपका रहेगा यूवी ललित, MV रमणा, SA बोबड़े या फिर DY चंद्रचूड़। दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर आपका रहेगा DY चंद्रचूड़ जो कि है अभी के चीफ जस्टिस है इंडिया का। नेक्स्ट आपका रहेगा हु ओन रणजी ट्रॉफी इन 2022-23। तो 2022-23 का रणजी ट्रॉफी का विनर कौन है यहाँ पर आप देख सकते हो? ओके, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो कि रहेगा दोस्तों सौराष्ट्र, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही होगा। सो नेक्स्ट होगा
हुईज फिल्म ओन द ओस्कर फॉर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म इन मार्च 2023। तो मार्च महीने में ओस्कर अवार्ड जो भी दिया गया था दोस्तों, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड जो है कौन सा फिल्म को मिला है। ओके तो दोस्तों यहाँ पर जो कि आपका राइट आंसर रहेगा ये ऑप्शन नंबर ए है जो कि द एलिफेंट विस्पर्स, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट होगा द ओस्कर फॉर द बेस्ट म्यूजिक ओरिजिनल सॉन्ग वॉज ओन बाय हुच ऑफ द फॉलोइंग। तो बेस्ट म्यूजिक के लिए यहाँ पर जो भी मिला है दोस्तों ओस्कर अवार्ड, कौन सा सॉन्ग जो कि यहाँ पर आपका होगा, यहाँ पर आप देख सकते हो कि नाटू नाटू यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है तो नेक्स्ट होगा हु हैज़ बीन इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, किनको जो है इलेक्टेड किया गया है प्रेसिडेंट के लिए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का। ओके तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर जो कि रहेगा पीटी उषा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही होगा। नेक्स्ट है वेयर इज द फीफा वर्ल्ड कप शेड्यूल टू बी हेल्ड नेक्स्ट। तो फीफा वर्ल्ड कप जो कि रिसेंटली हुआ था दोस्तों 2022 में, ये कतर में हुआ था, तो चार साल बाद होगा तो 2026 में जो कि है कहाँ पर होगा दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर जो कि रहेगा यूएसए कनाडा मैक्सिको, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही होगा। ओके तो फीफा का जो कि विनर जो कि है दोस्तों 2022 का जो कि है अर्जेंटीना है, ठीक है, और रनर्स अप जो कि है फ्रांस है। नेक्स्ट होगा व्हाट इज़ द कैपिटल इन्वेस्टमेंट आउटले ऑफ यूनियन बजट 2023-24। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट का जो कि है यहाँ पर आपका कितना आउटले है इसका, यहाँ पर जो कि आपका राइट आंसर रहेगा ये 10 लाख करोड़ होगा। ठीक सो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हु हैज़ बीन रिसेंटली प्रपोज्ड एज नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक बाय यूएसए। क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पर गलती हो गया दोस्तों, तो नेक्स्ट जो कि यहाँ पर रहेंगे वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट जो भी यहाँ पर यूएसए जो है प्रपोज्ड क्या है तो कौन है, ऑप्शन में यहाँ पर आप देख सकते हो इसका जो कि राइट आंसर रहेगा जो कि अजय बंगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही होगा। नेक्स्ट है विथ हुईज स्पोर्ट्स निखत जारेन एसोसिएटेड। तो निखत जारेन जो कि कौन सा स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, ओके तो यहाँ पर जो कि आपका राइट आंसर रहेगा ये बॉक्सिंग होगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही होगा निखत जारेन। ओके फ्रेंड्स नेक्स्ट है वेयर वॉज कंट्रीज फास्ट वाटर मेट्रो इनागोरेटेड रिसेंटली। कंट्री का जो कि है फास्ट वाटर मेट्रो जो है कहाँ पर जो है इनागोरेट किया गया था। ओके तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ये कोची में, कोची में जो कि है फास्ट वाटर मेट्रो जो है इनागोरेट किया गया था। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन होगा एज पर द डाटा रिलीज बाय सिप्री इन अप्रैल 2023 व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया एमंग कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड इन द मिलिट्री स्पेंडिंग। तो मिलिट्री स्पेंडिंग के हिसाब से यहाँ पर हम देखें तो सिप्री के द्वारा जो भी यहाँ पर आपका डाटा रिलीज किया गया था तो इंडिया का रैंक कितना था। ओके तो यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा इंडिया का जो कि रैंक है दोस्तों फोर्थ इसका रैंक है। ओके फर्स्ट जो कि है यूएसए होगा, यूएसए के बाद जो कि चाइना होगा, उसके बाद रसिया होगा एंड उसके बाद जो कि है इंडिया होगा। ठीक नेक्स्ट होगा 13th ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप ODI इज शेड्यूल टू बी हेल्ड इन अक्टूबर नवंबर 2023 इन। तो वर्ल्ड कप जो कि होगा दोस्तों 13th नंबर वर्ल्ड कप जो कि होगा 2023 में अक्टूबर नवंबर में होगा, तो ये जो कि है कौन सा कंट्री में होगा, कहाँ पर जो कि इसको शेड्यूल किया गया है। ओके तो यहाँ पर जो कि आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ODI वर्ल्ड कप जो कि है इंडिया में होगा 2023 में। सो नेक्स्ट होगा Who has written the book The Light We Carry? The Light We Carry जो कि एक बुक होगा इसका जो कि राइटर कौन है, कौन लिखे है इस बुक को दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा जो कि मिशेल ओबामा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही होगा मिशेल ओबामा। ठीक नेक्स्ट है Who is मोहम्मद इरफान अली? मोहम्मद इरफान अली जो कि है कौन है दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा प्रेसिडेंट ऑफ गुयाना, ऑप्शन नंबर ए यहां पर आपका सही होगा। ओके सो दोस्तों यहां पर हम सारे क्वेश्चंस को यहां पर अब डिस्कस कर चुके हैं जो भी आपका यहां पर हम लाए थे, करंट अफेयर हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, आपका जीके हो गया, एजुकेशनल जीके था। ओके
तो आज का वीडियो में इतना ही था फ्रेंड्स। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर लीजिएगा एंड चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।